तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जबरदस्त बाढ़ की तबाही, कल रात की बाढ़ की तबाही। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज किरण नेगी ब्लॉग्स की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है और आप मेरे हाथ में फोटो अभी देख लेंगे। तो ये इसलिए है कि मैं भी पानी बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर मौसम की बात की जाए तो आजकल लगातार पहाड़ों में जबरदस्त बारिश के कारण पहाड़ों का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि सबसे बढ़िया मौसम होता है जब आज बारिश हो, अगर कल सुबह धूप लगती है तो वो मौसम सबसे ज़बरदस्त होता है। तो ये है पहाड़ों का मौसम। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो दिखाने जा रहा हूँ तो वह है कल के भयंकर बारिश के कारण क्या क्या नुकसान हुआ है, वो दिखाने की कोशिश करूँगा आपको यहाँ से। तो इस बीच जो जो नुकसान हुए उसमें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहे और देखें कि कल रात जो बारिश हुई थी उसने कितनी तबाही मचाई है, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में बने रहे। तो हमारे घर के ऊपर से तो देखो कितनी ज़बरदस्त यहाँ से पानी का बहाव आया हुआ है, जिसे हमारे यहाँ गाढ़ कहा जाता है। तो देखो, फर्स्ट भूस्खलन यहाँ पर हुआ है। तो छोटे छोटे भूस्खलन तो पहाड़ों में बहुत हुए हैं, तो मैं दिखाऊंगा जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लैंडस्लाइड हुए हैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। तो चलो, बने रही है हमारे साथ। दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ अभी रोड में। तो रोड पर आप देख रहे होंगे हर कहीं पर कहीं ना कहीं रोड टूटी हुई है, तो हर 10 कदम पर रोड टूटी हुई है। तो देख सकते हैं आपको दिखाऊंगा मैं पूरे यहाँ से और मंदिर तक के क्या क्या नज़ारे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो रोड की कंडीशन है वो यहाँ पर खराब है। तो यहाँ पर यह है खजड़ी घाट से पहले, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मलबा आया हुआ है। तो यहाँ पर भी फिलहाल एक दो दिन, तो उसके बाद पर नज़ारा दिखाएंगे आपको। तो ये देखो, यह है खजड़ी घाट का जो पहला गदेरा है, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तबाही मची हुई है। रोड होड सारे टूट गए हैं और ये देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे लकड़ी यहाँ पर भी, समझ नहीं आ रही है किधर से आया, और रोड तो शायद पूरे खत्म होने वाले। तो दोस्तों, गदेरे की बात की जाए तो गदेरे की हालत है, देखो साफ हो गया गदेरे। अब देखते हैं हमने पानी भी, हमारी पाइप लाइन पूरी टूट फूट कर बराबर हो गई है। और ये हमारे पाव देखो, ये लिमड़ा देखा रहे हैं। तो हम दिखाएंगे सबसे पहले यहाँ पर कि हमारे पाइप लाइन का कोई अता पता नहीं है, सारे टूट गई है शायद। ओहो, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पाइप लाइन से, क्या ही बोले। तो थोड़ी देर में आते हैं पाइप बनाना, फिर दिखाएंगे आपको कि गदेरे की क्या हाल है। बाकी नीचे की, तो यहाँ से नीचे की बात की जाए तो देखो कितने बड़े बड़े पिलर यहाँ से नीचे की गिरे हुए हैं। देखो साहब जी, नमस्कार। बब्बा, तो बारिश है कम बरसात, तुम्हारे मजे नहीं है, तुम्हारे मजे नहीं। तब क्या कहेंगे? हेलो गाइस, हैं सबसे बड़ी आपदे है। देखो आज तक कम से कम, हैं अच्छा, तो मौजें हैं सारी रोड यहाँ पर तहस नहस पूरी भी हो सकता। हलवा के पानी देख सकते हैं, पानी को बहाव भी बहुत। तो दोस्तों, खजड़ी घाट दूसरे गदेरे की बात की जाए तो इस गदेरे का जो नज़ारा है वो इस प्रकार से है, देख सकते हैं आप, पूरी रोड यहाँ पर तहस नहस हो चुकी है। और जो है कि कम से कम 30 मीटर रोड यहाँ पर साफ है। और देखो, कल रात की बारिश ने यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर से बिल्कुल, यहाँ पर एक तालाब जैसा था उसका भी पता नहीं। ये देखो इस गदेरे को भी दिखाएंगे हम आपको। तो इस गदेरे का नज़ारा इस प्रकार से, देखो यहाँ से लेकर, और ये देखो पूरे यहाँ पर भी रोड साफ है। देखो तो दोस्तों, जोड़े से देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा भी गिरा हुआ है उस चीज़ का, तो यहाँ पर भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है अभी गाड़ी को जाने में। तो हम तो बाइक से चलेंगे, कैसे नीचे से चलेंगे, जो है कि जो छोटे मोटे
रोड के नुकसान हुए हैं उसको तो हम दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि इतना दिखाएंगे तो शायद हमारी मेमोरी भर जाएगी। जो कल रात की बारिश से जो बड़े बड़े दिक्कतें आई हुई है उनको दिखाएंगे। तो अब चलते हैं हम तीसरे गदेरे में, जो कि रोहड़े 11 किलोमीटर पहले है। तो देखो इस गदेरे की हालत, ओह माय गॉड। तो दोस्तों पुल की हाल देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक पुल था तो कर रहा थी बारिश से। यहाँ की कंडीशन भी दिखाऊंगा मैं, आप ये है इंटर कॉलेज से पहले है, जब इंटर कॉलेज से आप इधर आओगे तो सबसे पहले ये वाला गदेरा लगेगा, उसके बाद दो गदेरे होते हैं। तो यहाँ की कंडीशन दिखाऊंगा आपको, इस गदेरे की कंडीशन भी ये है। और यहाँ पर भी रोड टूटी हुई है, और यहाँ से नीचे नज़र मारेंगे हम तो ये हालत है। दिखाऊंगा आपको पुल, तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये पुल लगभग 7-8 साल पहले बन चुका था और सबसे बढ़िया टिका हुआ था, लेकिन कल रात बारिश के कारण ये पुल भी यहाँ पर टूट चुका है। तो देखो, तो दोस्तों वो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, देखो नीचे वहाँ तो मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि जिस काम के लिए मैं जा रहा था वो हो गया है, तो मैं नीचे नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त रोड टूटी हुई है कि शायद खुलने में कम एक महीना भी लग सकता है। ये सामने नीचे देखो, बहुत पतली नदी थी लेकिन अब बहुत मोटे हो गए, देखो पानी इधर था तो सब उधर था, ये भी चमत्कार है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम सुंगरखाल की ओर। तो देखो सुंगरखाल की सीधे ऊपर इतना ज़बरदस्त रोड, नीचे से भी गायब है ऊपर से भी, तो शायद यहाँ पर पाइप की ढेर खड़ी तो काफ़ी खतरनाक हो रहा है रोड कंडीशन। आगे जोर दिखाएंगे आपको क्या भाई, रोड की कंडीशन दिखाएंगे आपको, जो छोटे मोटे चलो नीचे सुनने में आ रही काफ़ी ज़्यादा तबाही है, तो हम वही दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि कहाँ पर ये रोड जाम है। आप बहुत आपदा आ रही है सर उत्तराखंड में, ये हमारे किसी समय देखो उत्तराखंड एक्सप्लोरर इंस्टाग्राम लगातार हमारे रील चलती रहती है। इस अच्छा मेन आपदा यहाँ बाहर की है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर बिल्कुल रोड जाम है, और तो दोस्तों यहाँ पर अभी उधर जाके दिखाएंगे हम आपको। तो सर यहाँ से गाड़ी चढ़ जाएगी पर? बिल्कुल सर बाइक चढ़ा देंगे हम, लेकिन गाड़ी नहीं चढ़ पाएगी। नहीं शायद मेरे को भी लग रहा है कि गाड़ी चढ़ा सकते हैं हम, और एक वायरल वीडियो बन सकती है हमारी, कोशिश करेंगे अभी तुम्हारी एक वीडियो बनाएंगे। और यहाँ से रोड भी बिल्कुल वो पूरी रोड यहाँ से जाने वाली है, गोल स्कूल से थोड़ा आगे जाते हुए यहाँ पर का नज़ारा हमें कुछ इस प्रकार का मिला। देखो इतने पत्थर आए हुए हैं, एक मकान पूरा बन जाएगा, मकान तो बनेगी नहीं लेकिन एक मकान अच्छी खासी मकान की रेट की पूरी व्यवस्था। ये भी एक बहुत बड़ा तबाही बना रहे हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जो कि गोल के समीप ये देखो इतने बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं रोड में। तो दोस्तों इस गदेरे की बात की जाए तो यहाँ पे एक हफ्ता लग जाएगा रोड साफ करने में। एक हफ्ता हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चारों तरफ रोड
इतनी खराब हो चुकी है कि कुछ भी हो सकता है। तो ये है वाव। और गोल के बिल्कुल करीब ये गदर आता है काफ़ी। वैसे तो इस गदरे में बहुत कम पानी रहता है, लेकिन कल की बारिश के कारण यहाँ भी देख सकते हैं आप इतने ज़्यादा चारों तरफ पत्थर ही पत्थर। तो दोस्तों ये है गोल गजेरे का नज़ारा। तो गोल गजेरे में कुछ इस प्रकार का नज़ारा है देखो यहाँ पर। और यहाँ से ऊपर देखा जाए तो इतने पत्थर हैं कि पूरे एक बस्ती बन सकती है यहाँ। और ये हमारे कैमरामैन जो कि इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल करते हैं, तो ये इंस्टाग्राम के माध्यम से दिखाएंगे और हम यूट्यूब के माध्यम से। तो इंस्टाग्राम पे देखने के लिए उत्तराखंडी एक्सप्लोरर पर जाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों को। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए ये नज़ारा, और जहाँ गदर है नहीं वहाँ भी गदर बन गया है। देखो ऊपर का नज़ारा दिखाएंगे आपको, देखो यहाँ से बादल फटक आया पड़ा और यहाँ से नीचे पौरे। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं डर लग रहा है चलने में भी। तो दोस्तों एक नए गदेरे का निर्माण हो चुका है, तो जिसको भी पानी ले जाना है यहाँ से ले जा सकता है। तो दोस्तों देखें यहाँ पर सारे पत्थर इकट्ठे होंगे। यहाँ पर पहले बता चुके हैं हम कि इससे एक मकान की कंक्रीट इकट्ठे हो सकते हैं। लोग लग गए देखो बोला हमने तुरंत आगे।